छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदपुरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पीड़ित पति ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया है। उसका आरोप है कि उसकी पत्नी लगभग 1.5 लाख रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई। पीड़ित वकील आदिवासी का आरोप है कि लगभग 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी जिस महिला से। वह 4 महीने तक तो उसके पास रही, लेकिन इसके बाद लगभग 3-4 दिन पहले वह कहीं चली गई। पीड़ित का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी ने कहा है कि अब वह वकील आदिवासी के साथ नहीं रहना चाहती। वहीं इसने यह भी बताया कि उसने अपनी शादी के लिए लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च किया था, जिसमें से 1 लाख रुपए महिला की मां को दिए थे व 50,000 अन्य व्यक्ति को दिए थे। उसका यह भी कहना है कि कुछ जेवर भी वह पहने थी, जिसे लेकर वह रफू चक्कर हो गई और अब उसने छतरपुर एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया है और अपनी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। उसका कहना है कि वह अपनी फरियाद लेकर सिविल लाइन थाने भी गया था, लेकिन वहां पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की। वहीं इस मामले को लेकर छतरपुर पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा का कहना है कि कानूनन यदि पत्नी अपने घर से कुछ सामान लेकर जाती है तो उसके विरुद्ध चोरी का मामला नहीं बनता, बल्कि गुमशुदगी दर्ज की जाती है और उसके बाद गुमशुदा को दस्तयाब किया जाता है। 1 लाख रुपए उनके बाप मताई ने दाए और फिर 50,000 दूसरे के लिए दिया हूँ, अभी 1.5 लाख का, और फिर हमने लिया था उसी को। कितने में ली थी? 1.5 लाख में दे दिया था उसे। हाँ, उसके बाप मताई आए थे देने के लिए ऊपर के। कब भग गई जी? भग गई जहाँ 2-3 दिन पहले। कितने दिन रही तुम्हारे साथ? 4 महीना। क्या लगता है, क्या कह रही है वो? वो कह रही हमको नहीं रहना है इस घर में, दूसरा कर लीजिए। सामान वामान भी ले गई और सामान बेजर में जी सब ले गई। एक मंगलसूत्र है, पाव भर की चूड़ी है और 11 गुड़िया है सोने के। हाँ, वही एक मोबाइल लेके भागी। टोटल कितना पैसा तुम्हारा खर्च हुआ? टोटल हो गया 1.5 लाख। अब कहाँ आए हो तुम लोग? अब यहाँ आए हैं अतला में, पहले सबलन पहुँचे थे, सबलन में रिपोर्टिंग जली, फिर यहाँ जी एफसी बैठते हैं, यहाँ आए तो यहाँ भी यहाँ झेल। क्या चाहते हो तुम? उसके पकड़वाना है। किसको? हम डी घरवाली को हमारी। छतरपुर जिले के थाना सिविल लाइन अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें पत्नी के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं, उसमें जो पत्नी या फिर आपकी धर्मपत्नी होती है, उसके ऊपर कभी भी चोरी का प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता। इसमें समान तौर पर यदि दर्ज होगा तो गुमशुदगी दर्ज होगी, गुमशुदगी में दस्तयाबी दर्ज होगी। तो इसमें कुछ विधिक या लीगल समस्याएं हैं, उसके बाद ही इसमें जो सही कार्रवाई है वो हो सकती है।